कॉमर्स शो बिग बॉस हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है। इस साल भी बिग बॉस ओटीटी चर्चाओं में खास रहा और वो भी खास इसलिए क्योंकि दो पत्नियां रखने वाले अरमान मलिक के कारण। अभी हाल ही में कई ऐसी चीजें वायरल हुई हैं बिग बॉस के घर से और इन्हीं सब की वजह से अब बिग बॉस ओटीटी के खिलाफ सोमवार यानी कि 22 जुलाई को पुलिस में शिकायत की गई। आपको बता दें कि शिव नेता और पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा कायंदे ने शो में दिखाए जा रहे कंटेंट को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर से मुलाकात की। मनीषा का आरोप है कि बिग बॉस 3 एक रियलिटी शो है, इसकी शूटिंग जारी है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी इसमें भाग ले रहा है, शो में अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी हैं। हमने मुंबई पुलिस से शो के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए एक लेटर लिखा है। उन्होंने आगे कहा कि रियलिटी शो के नाम पर अश्लीलता का ये सार्वजनिक प्रदर्शन कहाँ तक सही है, ये युवा दिमाग को कैसे प्रभावित करता है। हम केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के पास भी जाएंगे, संसद के मौजूदा सत्र में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक कानून लाने का मांग करेंगे। मनीषा ने शो के 18 जुलाई के एपिसोड में दिखाई गए कंटेंट को लेकर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि एपिसोड में कंटेस्टेंट को अश्लील और आपत्तिजनक व्यवहार करते हुए दिखाया गया है, इससे सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक रिश्तों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। शो का टेलीकास्ट तत्काल बंद किया जाए, शो के निर्माताओं और टेलीकास्ट कंपनी के CEO के खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, जांच की जाए कि क्या ये एपिसोड अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज।